भले ही इंसानों ने आज इतना विकास कर लिया है कि अब वो किसी दूसरे प्लेनेट पर घर बनाने की जद्दोजहद में बिजी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर धरती पर अभी भी अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अमेज़न जंगल भी इस लिस्ट में शामिल है। यह जंगल जितना विशाल है उससे कहीं अधिक अपने भीतर रहस्यों को समेटे हुए है। हालांकि वैज्ञानिक कुछ रहस्यों का नकाब उतार कर उन्हें दुनिया के सामने पेश करने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सोचना बनता है। चलिए जानते हैं अमेज़न के कुछ ऐसे ही हैरतअंगेज रहस्यों के बारे में। आठवें नंबर के रहस्य के बारे में जानकर तो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बॉइलिंग रिवर। अधिकांश नदियों का पानी ठंडा और शीतल होता है, जिसे पीकर हम अपने प्यास बुझा सकते हैं, मगर अमेज़न रिवर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस नदी में ठंडा और शीतल जल नहीं बल्कि खौलता हुआ पानी बहता है। इस पानी का औसतन तापमान 86 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, मगर कुछ जगहों पर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका अंदाजा आप कुछ इस तरह लगा सकते हैं कि इस पानी में आराम से चाय बनाई जा सकती है और अंडे उबाले जा सकते हैं। यही वजह है कि इस नदी को बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। ये नदी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में स्थित है और इसकी खोज 2011 में आंद्रेज रूजो ने की थी। इस खौलती नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। ये 82 फीट चौड़ी है जबकि 20 फीट गहरी है। अमेज़न नदी का पानी 365 दिन और 24 घंटे खौलता रहता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इसमें हाथ डालने पर वो झुलस सकता है, और यही नहीं, इसमें गिरने से किसी की भी मौत हो सकती है। अमेज़न नदी यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए किसी मौत के कुएं से कम नहीं है। अगर कोई जानवर इस खौलती नदी में गिर जाता है तो उसके शरीर का मांस इतनी बुरी तरह झुलस जाता है कि सिर्फ हड्डियां ही नजर आती हैं। आश्चर्य की बात है कि सर्दी में भी इस नदी का पानी बराबर खौलता रहता है। वैज्ञानिकों ने इस नदी के पानी के खौलने का राज जानने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इसके अलावा अभी तक अमेज़न नदी के उद्गम स्थल की सही जानकारी किसी को पता नहीं लगी है। इस लिहाज से अमेज़न नदी को एक रहस्यमय नदी माना जाता है। मूविंग ट्री। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की एक से बढ़कर एक प्रजाति पाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और 390 बिलियन पेड़ों का गढ़ है। अमेज़न जंगल को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया को ऑक्सीजन का 20% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराता है। यहाँ इतने विशाल और घने पेड़ हैं कि जब भी यहाँ बारिश पड़ती है तो उस पानी को जमीन तक पहुँचने में करीब 10 मिनट का समय लग जाता है। इसके अलावा यहाँ के पेड़ एक दूसरे के कंधों पर इस कदर लदे हुए हैं कि यहाँ की जमीन को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती है। यही वजह है कि इस भयानक और रहस्यमय जंगल में दिन के समय में भी घोर अंधेरा रहता है। यहाँ देखे जाने वाले पेड़ों की सबसे विचित्र और अविश्वसनीय बात यह है कि यहाँ के पेड़ इंसानों की तरह चलते फिरते भी हैं। दरअसल यहाँ के पाम ट्रीज धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकते रहते हैं, या फिर यूं कहें कि चलते फिरते रहते हैं। जिस स्थान पर सूरज की रोशनी आती है ये पेड़ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही इस पेड़ की जड़ें भी आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। बेशक इस पेड़ की स्पीड काफी स्लो रहती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये अपना स्थान बदल कर मूव होते रहते हैं। स्ट्रेंज बर्ड। इसे गौर से देखिए, आपको इस वीडियो में कुछ नजर आ रहा है क्या? अगर अब भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो ये पक्षी अपने मिशन में सक्सेस हो गया है। दरअसल इस पक्षी को पोटू कहते हैं और ये अमेज़न जंगल में निवास करता है। इसे छलावरण की कला में महारत हासिल है, क्योंकि ये खुद को आसपास के माहौल के हिसाब से इतना ढाल लेता है कि इसकी पहचान करना मुश्किल है। अगर ये अपने स्थान से जरा भी मूव नहीं करता है तो उसे देखने पर ऐसा लगेगा जैसे सामने कोई पेड़ की सूखी डाल हो। इस स्ट्रेंज पक्षी को आमतौर पर देखना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये रात का मुसाफिर है और दिन के उजाले में अपने आप को इतनी चालाकी से छिपा लेता है कि सामने होते हुए भी आप इसे नहीं देख पाएंगे। अमेज़न में पाया जाने वाला ये अनोखा पक्षी किसी सूखे पेड़ पर घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठा रहता है और अपनी आंखों को बहुत ही कम खोलता है ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। वैज्ञानिक अभी भी अमेज़न जंगल में रहने वाले ऐसे दूसरे पक्षियों की खोज में लगे हैं। पॉइजन फ्रॉग।
दोस्तों अमेज़न जंगल जितना खौफनाक है उतने ही खतरनाक यहाँ पाए जाने वाले ये मेंढक हैं, क्योंकि इस जंगल में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल है। इसलिए इन मेंढकों ने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि अगर इन्हें कोई मारने की कोशिश करता है तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। दरअसल पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से फेमस ये मेंढक इतने जहरीले हैं कि अगर कोई इन्हें छू भी ले तो उसकी जान पर बनाती है। दरअसल इनकी त्वचा में बहुत खतरनाक जहर होता है, इसलिए शिकारी जानवर इनसे दूरी बनाए रखते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि इनके शरीर का कलरफुल पैटर्न इनके जहरीले होने को दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो मेंढक जितना अधिक चटकीले रंग का होता है वो उतना ही अधिक खतरनाक होता है। अगर ये खूबसूरत मेंढक किसी को काट ले तो उसको लकवा मार सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर मौत भी हो सकती है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। वैसे तो इस जंगल में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कई आदिवासी और जनजातियों के लोग निवास करते हैं। इसमें से कुछ जंगल के किनारे पर बसे हैं और शहरी लोगों से आराम से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक खास जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते हैं। 21वीं सदी में भी ये लोग वही पुराने आदिमानव वाला जीवन जी रहे हैं। ये जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं और पेड़ पौधों से ही अपने कपड़ों को यार करते हैं। अगर कोई इनसे मिलने की कोशिश करता है तो ये उन्हें मार डालते हैं, क्योंकि इन्हें अपने जंगल की दुनिया में बाहरी लोगों की दखलंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं है। इनकी तस्वीरें भी काफी सावधानी और छिप कर ली गई हैं। अब तक कोई भी अमेज़न की इस खास जनजाति के बारे में ठीक से नहीं जान सका है, इसलिए ये लोग दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। डेंजरस इंसेक्ट्स। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अमेज़न के कीड़े मकोड़े भी कुछ कम खतरनाक नहीं हैं। एक बार के लिए यहाँ के जंगली जानवरों से आप अपनी जान बचा सकते हैं, मगर यहाँ पाए जाने वाले जहरीले कीड़ों से बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कोई साधारण टाइप के कीड़े मकोड़े नहीं हैं। यहाँ की चींटियाँ कोई नॉर्मल चींटी नहीं है, बल्कि चलती फिरती बुलेट हैं। अगर ये किसी को डंक मार दें तो वो किसी जहर से कम नहीं होता। जब ये चींटियाँ काटती हैं तब ऐसा महसूस होता है मानो जैसे किसी ने गोली मार हो। यही कारण है कि इन चींटियों को बुलेट एंट कहते हैं। लगे हाथ यहां पाए जाने वाली खतरनाक मकड़ियों के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल में 3000 से भी अधिक मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से अधिकांशतः जहरीली होती हैं। टेरेंटुला स्पाइडर के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये इतनी खतरनाक मकड़ी है कि अगर ये किसी को काट ले तो उसे ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये मकड़ी बहुत जहरीली होती है और काफ़ी मात्रा में जहर छोड़ती है। ये अपने शरीर के बालों को इतने जानलेवा तरीके से इस्तेमाल करती है कि इसका वार किसी तीर से कम नहीं होता है। अगर ये भूल से भी आंखों में लग जाए तो आंखें बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं। जायंट स्नेक। सांप अपने आप में काफी खतरनाक होते हैं और अमेज़न जंगल के सांपों की बात करें तो यहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं। अमेज़न में सांपों की तकरीबन 70 प्रजातियां रहती हैं। यहीं एनाकोंडा जैसा विशालकाय सांप घूमता फिरता है। ये सांप 30 फुट जितना लंबा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ एनाकोंडा से भी बड़ा सांप रहता है। इन लोगों का कहना है कि वो सांप करीब 160 फुट लंबा है और उसका मुंह 6 फुट लंबा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक अमेज़न के जंगल के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। मिस्टीरियस जियोग्लिफस। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है। ये वर्षावन नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील का अधिकांश हिस्सा कवर करता है और लगभग 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक फैला है। कहते हैं कि अगर अमेज़न कोई देश होता तो यह आकार में 90वें स्थान पर होता। इस जंगल की सीमाएं 9 देशों को छूती हैं, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गुयाना का नाम शामिल है। एक बार जब वैज्ञानिकों ने ड्रोन के माध्यम से इस जंगल की कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उनका सिर चकरा गया। दरअसल यहां कुछ अटपटी आकृतियां देखने को मिली जो करीब करीब 2000
साल पुरानी बताई जाती हैं। अधिकांश आकृतियां सर्कल और स्क्वायर शेप में थी। यहां एक दो नहीं बल्कि 450 अजीब सी आकृतियां देखने को मिली। इन्हें जियोग्लिफस नाम दिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहां इंसानों की काफी कम आवाजाही है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि इन मानव निर्मित संरचनाओं को कब, किसने और क्यों बनाया होगा। ये अमेज़न जंगल की कुछ ऐसी रहस्यमय और अनोखी बातें थीं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी वैज्ञानिक पूरे अमेज़न जंगल के बारे में जानकारी नहीं जुटा सके हैं, इसलिए ये जंगल हमेशा कौतूहल का विषय बना रहता है। अगर आप अमेज़न जंगल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।